हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों की होली कैसी रही बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ होली के बाद ना बहुत सारे कलर्स वगैरह लग जाते हैं फेस पर, और फेस पर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है फेस भी, और किस तरह से क्या करें। और फिर वहाँ और फिर उसके बाद हम लोग बाहर भी जाते हैं, बहुत लोग यहाँ जाते हैं जब कोई बुलाता है तो इन्विटेशन रहते हैं जाने के लिए, और होली मिलने के लिए जाते ही हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या करिए आप लोग, एक फेशियल करिए, जो मैंने अभी अभी मैंने सोचा और मैंने किया, बहुत अभी मैं कर ही रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं कर रही हूँ फेशियल, ऑरेंज फेशियल कर रही हूँ मैं। तो ये फेशियल बहुत ही अच्छा है, मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब होली से पहले और पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा इससे इफ़ेक्ट आता है। और आपका फेस है ना बहुत ज़्यादा डल है, और आपको फेस पर थोड़ी बहुत भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम है ना तो वो भी कम हो जाएगी। और आप लोग इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। और हाँ, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा आराम से हर चीज़ बताऊँगी किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से आपको करना है ये फेशियल। और मैं ना कुछ आवाज़ भी आए ना आपको तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि सब यही है मेरे पास ही आसपास, इस वजह से तो थोड़ा सा आवाज़ आ सकती है किसी और की भी, तो इसलिए इग्नोर करिएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं शुरू इस वीडियो को, इस फेशियल को, और बहुत ही अमेजिंग फेशियल है तो आप लोग ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये फेशियल कैसा लगा। और हाँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की होली कैसी मनी, आप लोगों ने किस तरह से मनाया और क्या क्या बनाया हुआ है। तो मैंने आप लोगों के साथ एक मिठाई भी शेयर किया था, मीठा भी शेयर किया था, और आप लोगों ने शायद बनाया भी होगा। आप लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ बनाकर देखेंगे, तो आप लोगों ने शायद बनाया हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप हिट करोगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकअप कर सकते हो, आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं ऑरेंज फेशियल करने वाली हूँ तो मैं उसके लिए सबसे पहले बना रही हूँ क्लींजर। और तो उसके लिए मैंने लिया है ये ऑरेंज जूस, मैंने ले लिया है, और मैं अब इसमें डालूंगी 1 स्पून के करीब मैं डालूंगी ये पोटैटो जूस है, तो मैं पोटैटो जूस ले रही हूँ। और पोटैटो जूस आप जानते हो किस तरह से निकालना है, तो इस तरह से मैं आप इसको चला कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो स्टार्च होता है वो नीचे जम जाता है। ये देखिए वाइट सा स्टार्च जो दिख रहा है ना वो नीचे जम जाता है, तो इसको आप इस तरह से ले लीजिए और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसको अपने फेस पर क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लींजर है, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे क्लीन करना है अपने फेस को आपको। तो आप फेस को पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इसको यूज़ करिए। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैंने ले लिया है एक कॉटन का बॉल, और इससे लिया है वेला से कॉटन पैड लिया है मैंने। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करूँगी, मैंने फेस वॉश कर लिया था उसके बाद ही मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आपको बता दिया है किस तरह से ये बनाया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया, शेयर किया आपके साथ, और अब मैं क्लीन करने जा रही हूँ। तो क्लीन करूँगी तो इस तरह से मैंने कॉटन को इसमें डिप कर लिया है, और इस तरह से मैं और इसको 2 मिनट्स के लिए इस तरह से छोड़ दीजिएगा। और जो मैंने इसमें आलू यूज़ किया है, आलू का जो जूस है वो यूज़ किया है, तो आपके स्किन को बहुत ही अच्छा क्लीन भी करेगा, आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी दाग धब्बे वो भी कम होंगे, और अगर आपकी जो स्किन में जो बाल हैं वो भी इससे ना आपके बहुत लाइट हो जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर यूज़ किया करिए। आप लोग ना एक बार तो यूज़ कर ही सकते हो, एक दो बार इसको यूज़ किया करिए आप वीक में, तो अच्छे से आपके जो हेयर हैं, आपके फेशियल हेयर होते हैं वो आपके लाइट होंगे, और आपका फेस भी इससे ग्लो आएगा इससे, और आप इसको ज़रूर करिएगा। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ 2 मिनट्स के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
अफर जो बना रही हूँ मैं स्क्रब, तो स्क्रब के लिए मुझे चाहिए ऑरेंज जूस, तो मैं ऑरेंज जूस ले लेती हूँ। इस तरह से आप ऑरेंज जूस निकाल लीजिए, आप चाहें तो आप इसको छान भी सकते हो, बट मैं छान नहीं रही हूँ, ऐसे ही निकल जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये आ जाता है, ये देखिए। और जो सीट आ रहे हैं वो आप हटा दीजिए सीट से, जो निकाल दे रही हूँ। फेशियल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आप इस फेशियल को करते हो ना, तो आपके फेस की जो होली के बाद जो कलर लग जाते हैं, बहुत सारे कलर्स वगैरह खेलते हैं होली पर, तो आप ये वाला फेशियल करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से इफेक्ट मिलेगा। एक तो ग्लोइंग तो होगा ही आपका फेस, लेकिन आपके फेस पे जो भी प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आप इस फेशियल को ज़रूर करिए, और इतना अच्छा हो जाता है इससे फेस आपका बिल्कुल ग्लो इतना अच्छे से आएगा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, और दो तीन दिन बाद ही बहुत ही अच्छा से इफेक्ट आता है। और इसको लगाने के बाद ना आपको फेस को वॉश नहीं करना है, एक दिन आप वॉश मत कीजिए फेस को। और देखिए ये जूस निकल आया है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें आलमंड पाउडर। मैंने आलमंड पाउडर को ऐसे पीस के रख लिया है, तो मैं इसको ले रही हूँ, आलमंड पाउडर ले रही हूँ। उसके बाद मैं लूंगी इसमें मिल्क पाउडर। स्क्रब में बहुत ही मतलब ज़्यादा स्क्रब के लिए नहीं चाहिए, मुझे स्क्रबिंग ज़्यादा नहीं करनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल जैसे होता है हल्का सा स्क्रब उसी तरह का। और ये है नेस्ले का पाउडर, ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों के लिए बहुत है। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए स्क्रबिंग ना इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से स्क्रब हो जाएगा इससे आपके फेस पर। और मैं बस यही तीन चीज़ों से स्क्रब कर रही हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी इससे कितना अच्छा इफेक्ट। और थोड़े थोड़े देर में आपको इसको बिल्कुल भी आपको फेस को वॉश नहीं करना है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करिएगा, जो मैंने बताया है आपको उसी तरह से आप लगाइए, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आपके जो फेशियल कर बता रही हूँ मैं उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस सूख गया है, मतलब ड्राई हो गया है, मैंने क्लीन कर लिया है फेस को और मेरा फेस एकदम क्लीन है। तो मैंने स्क्रब भी आप लोगों को इसी बीच दिखा दिया है किस तरह से बनाना है, और चलिए स्क्रब भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। बहुत ही लाइट हैंड से आपको स्क्रबिंग करनी है, ज़्यादा हार्ड मत करिए अपने फेस पर, बहुत ही जेंटल रहिए। तो इस तरह से आप और जितना भी आप जैसे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए आपको स्क्रब करिए, उसके बाद आप फेस को वॉश कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे हल्का ही स्क्रब करना था इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया। अगर आप चाहें तो कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया। तो ऐसे ही 2 मिनट्स के लिए आप स्क्रब कर लीजिए, और 2 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लीजिए फेस को, और फिर नेक्स्ट इस पर आती हूँ मैं। 2 मिनट्स के लिए इसको स्क्रब कर लेती हूँ अपने फेस को, मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 मिनट्स के लिए स्क्रबिंग कर ली है और मेरे अच्छे से स्क्रब हो गया है, मैंने हैंड पर भी स्क्रब कर लिया, ये देखिए, और बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग हो चुकी है। और मैंने इसमें ना मिल्क पाउडर यूज़ किया है, मिल्क पाउडर से ना बहुत ही अच्छे से आपकी स्क्रबिंग होती है, मतलब हल्के हल्के हाथ से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से जेंटल होकर बहुत ही लाइट हैंड से करते हो ना, तो आपकी स्किन ना डीपली क्लीन होती है। तो आपको ऐसे ही पाउडर ले सकते हो, मिल्क पाउडर ले सकते हैं, और मैंने इसमें आलमंड जो आलमंड पाउडर होता है वो भी यूज़ किया है, आलमंड का जो आलमंड्स होते हैं तो मैंने पाउडर पे यूज़ किया है, तो उससे बहुत ही अच्छे से उससे भी अच्छे से आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी, मतलब ड्राई भी नहीं होगी, और आपकी स्किन को मॉइस्ट भी रखेगा। इस वजह से मैंने इसमें आलमंड पाउडर का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो, मैं आप फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, दिखाती हूँ। और आप आइज के पास भी हल्के हल्के हाथों से इस तरह से जेंटल रहिए, बिल्कुल लाइट हैंड से करिए, बिल्कुल लाइट हैंड से, तो इस तरह से आपकी आइज के एरिया में भी ना मसाज भी हो जाएगी, और आपकी जो मैंने आलमंड ऑयल डाल आलमंड का जो पेस्ट पाउडर यूज़ किया है वो भी अच्छे से इसमें
आपकी आईज के लिए बहुत ही अच्छे से इफेक्ट देगा, और आपकी आई एरिया अगर ब्लैक है तो वो भी डार्क सर्कल्स हैं आपको तो वो भी रिमूव होगा। हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से मसाज करनी है, बहुत ही जेंटल रहना है, बहुत ही लाइट हैंड रखने हैं आपको। तो ये देखिए, और मैंने हैंड पर भी कर ली है, तो आप भी ऐसे हैंड पर भी कर सकते हो, लेग पर भी कर सकते हो, साथ में ही करती जाती हूँ मैं। तो चलिए मैं वॉश करके आती हूँ, हैंड्स में बनाने जा रही हूँ अब मसाज के लिए। तो मसाज करूँगी मैं, तो मैंने लिया है मैंने ऑरेंज के पीस लिए थे और उसका मैंने जूस निकाल लिया है, और मैं अब इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल, अपने हिसाब से डाल सकते हो, हाफ स्पून के करीब मैंने डाला है इसमें एलोवेरा जेल। और मैं डालूंगी अब इसमें हनी, और ये डाबर का हनी मैं ले रही हूँ। मसाज आपको 5-8 मिनट्स के लिए आपको करनी है फ्रेंड्स, तो अच्छे से मसाज पर ही फोकस करिएगा, बहुत ही अच्छे से मसाज करनी है तो आप इसको जरूर अच्छे से ही बनाइए। और मैं इसमें एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, अगर आपके पास हो तो आप इसको डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। तो आपके पास अगर स्वीट आलमंड ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा ऑलिव ऑयल है आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसमें एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ लेवेंडर वाला। 2-3 ड्रॉप मैंने इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं ये जो मैंने पोटैटो जूस बनाया था वो भी ऐड कर दूंगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस थोड़ा ही डालूंगी, ये देखिए। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तब तक अच्छे से जब ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा वाटरी लग रहा है तो वाटरी ऐसा ही रहना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा वाटरी लग रहा है तो आप इसमें एलोवेरा जेल और भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करिए, बिल्कुल भी ये दिख रहा है ना, इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह से नहीं, अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए, तो ये मिक्स हो जाएगा, आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो मैं भी इसको मिक्स कर लूँगी, तब मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फेस वॉश कर लिया है, फेस को मतलब नॉर्मल वाटर से धो लिया है, तो आप मेरे हैंड भी देख सकते हो, मेरा फेस भी देख सकते हो, कितना क्लीन दिख रहा है, एकदम क्लियर है मेरा फेस, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो गई है। और अब मैं मसाज करने जा रही हूँ, तो मसाज के लिए मैंने दिखाया आपको किस तरह से मसाज के लिए मसाज ऑयल बनाना है, मसाज की क्या क्या चीज़ें इसमें डाल दी हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा ना कस्तूरी हल्दी डाल दिया, तो इसलिए ये येलो हो गया है, तो आपका इतना यूज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर ये बच जाता है ना तो आप इसको डेली में भी लगा सकते हो, 1-2 दिन तक लगा सकते हैं, जितना भी आप बना सकते हो तो बना लीजिए, ज़्यादा मत बनाइए, लेकिन आप अगर फेस पे कर रहे हो तो अपने हैंड पर भी कर सकते हो, लेग पर भी कर सकते हो। तो मैं इसको बैक में और आगे नेक तक करूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में करूँगी नेक पर फेस पर मैं कर लेती हूँ। तो जो मैंने इसमें ऑयल डाला है, अगर आपको नहीं मिले ना तो आप मत डालिएगा, बट अपना मसाज करने के लिए इस तरह से लीजिए और इस तरह से मसाज करते जाइए, 8-5 मिनट तक तो करनी ही है आपको, अच्छे से मसाज करिए। और येलो येलो ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है बट बाद में नहीं दिखेगा, इस तरह से मसाज करिए, बहुत ही अच्छे से जेंटल रहना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरा फेस भी येलो येलो दिख रहा है, बट येलो नहीं लग रहा, ऐसे वीडियो में पता नहीं क्यों येलो दिख रहा है, बट येलो नहीं है। तो ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करिए। और मैंने इसमें हनी ऐड किया है, हनी इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई ना हो जाए, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ा सा भी ड्राई बिहेव कर रही है, तो ज़्यादा ड्राई ना हो इसलिए भी। और एलोवेरा भी डाला है मैंने, क्योंकि आपके जानते हैं एलोवेरा के गुण क्या क्या हैं, और मैं क्या बताऊँ एलोवेरा के बारे में, आपको सभी को पता है कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, आपकी स्किन को लाइटन बनाता है और ब्राइट करता है, आपके स्किन को हील करता है, आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो अच्छे से ठीक कर देता है, और हाइड्रेट तो रखता ही है आपकी स्किन को। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे करती ऐसे आपको मसाज के मैंने स्टेप और भी वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं, आप ऐसे कर सकते हो,
तो आप इस तरह से करते रहिए, और ये आपकी आईब्रोज को आप इस तरह से करिए, इस तरह से। तो मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट्स बाद, 8 से 10 मिनट तक मैं करूंगी मसाज। अब मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स पैक, तो पैक के लिए मैंने, देखिए मैंने ऑरेंज जूस फिर से ले लिया है, और मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। आप बेसन ले सकते हो, आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं, बट बेसन से ना आपकी स्किन एकदम क्लीन भी होती है और क्लियर, बहुत ही अच्छे से अंदर तक डीपली क्लीन करता है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इसमें लिकरिच पाउडर, तो मैं इतना लेती हूँ, थोड़ा सा और डाल ले रही हूँ, इतना सा ये लिया है मैंने। और इसके बाद मैं लूंगी मसूर दाल का पाउडर, ये देखिए मसूर दाल भी मैं इतना ले लेती हूँ, ये देखिए। फाइन पाउडर नहीं है क्योंकि मैंने खुद ही पीसा है इसको। तो इसके बाद मैं लूंगी इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस तो मैंने लिया है, अब मैं ले रही हूँ इसमें ये आलू वाला जूस, आलू का जूस मैं ले लेती हूँ इसमें। तो इसमें थोड़ा सा मैं रॉ मिल्क भी ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो आप इसको मिक्स करके देखिए, अगर बहुत ज़्यादा वॉटरी सा हो तो आप इसमें और भी बेसन ऐड कर सकते हो। अब आप बेसन भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको मुल्तानी मिट्टी, आपको लग रहा है कि आपके फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी भी इसमें यूज़ कर सकते हो, बट इसमें अभी थोड़ा ये फूलेगा तो सही हो जाता है, तो मैं इतना ही यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। अब पैक है तो पैक में इस तरह से ही सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूंगी, और जो भी मैंने इसमें यूज़ किया है आप उसी तरह से आप यूज़ करके, आप फेशियल कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपके फेस पर, तो इसलिए आप जो मैंने यूज़ किया है उसी तरह से यूज़ करिए, और फिर आप फर्क देखिए, आपके फेस पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए इतना ज़्यादा अभी और भी है ये, तो ये सब मिक्स कर लूँगी मैं, तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं पैक लगा रही हूँ। पैक लगाना बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी बता दूंगी आपको। तो ये अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं, और थोड़ा सा 2 मिनट से 5 मिनट्स के लिए मैं रख दूंगी, उसके बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस पर मसाज कर ली है, और मैं अपने फेस को वॉश नहीं करूँगी, इस पर ही मैं अपने फेस पर मैं पैक लगा लूँगी। तो पैक में भी मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, तो वो भी कितना येलो हो गया है। तो मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है आपको सब बता ही दिया है मैंने, क्या क्या डाला है इसमें। तो मैंने इसमें बेसन डाला है, बेसन से आपकी स्किन ना मतलब आपकी स्किन ना डीपली क्लीन होती है, और इसको आप 20 मिनट्स के लिए लगा कर रखिएगा। और इसमें लिक्रिज पाउडर है क्योंकि आपके दाग धब्बे भी इससे ठीक होंगे, और मैंने इसमें मिल्क, रॉ मिल्क भी डाला है क्योंकि आपकी स्किन इससे भी बहुत, लैक्टिक एसिड होता है रॉ मिल्क में, तो इस वजह से, क्योंकि अच्छे से क्लीन कर देता है फेस को और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होने देगा ये पैक। और ऑरेंज जूस तो आप जानते ही हो कि मैं ऑरेंज जूस से तो पूरा फेशियल ही चल रहा है, ऑरेंज जूस तो उसका इफेक्ट आएगा ही। और मैंने इसमें मसूर की दाल भी ऐड की है क्योंकि जब ये ड्राई होगा ना उसके बाद आप क्लीन करिएगा, बहुत ही लाइट हैंड से आप करिएगा, अपने फेस पर मसाज करके ही इसको निकालिएगा इस पैक को। तो ये वॉटरी वॉटरी सा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको बनाकर भी रख सकते हो, एक दिन आप नेक्स्ट डे भी लगा सकते हो इसको, बहुत ही अच्छे से ये यूज़ हो जाएगा आपके 2 बार के लिए, नहीं तो मैं तो हैंड पर भी लगाऊंगी ना, इस वजह से मैंने ज़्यादा बना रखा है, हैंड पर भी मसाज करूंगी मैं और लगा के रखूंगी पैक, या फिर मैं अपने हस्बैंड को कर दूंगी फेशियल कर दूंगी उनका भी। तो ऐसे ही 20 मिनट्स के लिए आप लगा कर रख लीजिए इस पैक को, और 20 मिनट्स बाद मैं आपको मिलती हूँ जब ये ड्राई हो जाएगा। किस तरह से आपको निकालना है पता ही है ना कि इसे रब करके ड्राई रहेगा, तो आप थोड़ा सा हैंड को गीला कर लीजिएगा और फिर आप
को निकाल सकते हो। तो मिलती हो अभी 20 मिनट्स बाद। तो देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं अपने फेस को जरा वॉश कर लूँ। इस तरह रब करना है आपको और फिर मैं वॉश करने जा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप रब करिए और वॉश कर लीजिए। तो मैं वॉश करके आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने फेस को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ग्लो दिख रहा होगा आपको, और मुझे तो सही दिख रहा है फेस। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फेशियल है। और मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और ये जो बच जाता है ना आपका पैक, तो आप हैंड्स पर भी लगा सकते हो और आप लेग पर भी लगा सकते हो। और जो मसाज क्रीम मैंने बनाई थी तो आप नाइट में भी लगा सकते हो या फिर डे में भी, जब आप मसाज कर रहे हो फेस को वॉश कर रहे होंगे ना तब उसके बाद भी लगा सकते हो। तो अभी मैंने अपने फेस को टोन किया है रोज़ वाटर के साथ, तो थोड़ा सा फिर से कर लेती हूँ। थोड़ा सा फेस ना ऐसा दिख रहा, मतलब थोड़ी सी चीटी जैसी काटती ना वो, उस तरह सा हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे से स्किन मतलब डीपली, मतलब लग रहा है कि डीपली क्लीन हुई है उससे, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि पोर्स जो है ना वो मिनिमाइज हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, और होली के बाद इस फेशियल को ज़रूर करिएगा क्योंकि होली हो चुकी है, और इस फेशियल को ज़रूर करिए। और ये ऑरेंज फेशियल बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है, तो आप ये ज़रूर करिएगा, परेशान मत करो। तो यही है आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार। बहुत ज़्यादा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, कौन कौन किस किस तरह से वीडियो खोज खोज कर लाती हूँ, किस तरह से बनाना है और आपकी स्किन पे कौन सी चीज़ इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, वो सब चीज़ सोच कर ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं तो आप लोग कर सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, और जैसे ही आप हिट करोगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का और आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये फेशियल किया या नहीं। लव यू, बाय।